ये देखिए मेरे पास ये टोकन पड़े हैं, ये देखिए ये एशियन पेंट के टोकन हैं। तो मैं आज के इस वीडियो में आप लोगों को ये टोकन कैसे स्कैन करते हैं वो भी करके दिखाऊंगा, और इसको कैसे बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं वो भी मैं बताऊंगा। तो अगर आप सब नए हैं तो मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और बेल आइकन को भी प्रेस करिए ऐसे ही यूज़फुल वीडियो देखने के लिए। तो सबसे पहले हम इसको स्कैन करके दिखाएंगे कि किस तरह से स्कैन करते हैं। तो सबसे पहले मुझे जाना पड़ेगा अपने प्ले ऐप पे, तो मुझे जाना पड़ेगा ये जो एशियन का है मास्टर स्टॉक ऐप, इस पे जाना पड़ेगा, इसको खोलना पड़ेगा। तो अगर आप लोगों ने ये मास्टर स्टॉक ऐप्स को कैसे डाउनलोड करते हैं, इस पे कैसे अकाउंट बनाते, वो सारी वीडियो मैंने बनाई है तो उसको आप चेक कर सकते हैं। तो ये देखिए मुझे क्या करना, अब ये जो यहाँ पे टोकन लिखा है यहाँ टोकन पे क्लिक करना है। ये देखिए मेरा बैलेंस देखिए यहाँ पे अभी कितना है, करंट बैलेंस 4410 है और माय स्कैन 7310, माय रिडीम्पशन 2900 किया है। तो मुझे क्या करना है, यहाँ नीचे देखिए राइट साइड में स्कैन का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करना है। इसको क्लिक करके ये देखिए ये देखिए स्कैन हो गया। ये देखिए इसमें मुझे कितने मिले, 10 पॉइंट मिले, 10 रुपये मिले। एक और स्कैन करते हैं, कुछ नहीं करना, बिल्कुल आसान है। आपने ये कैमरे के आगे इसको रखना है, ये देखिए ये QR कोड जो है इस तरह से स्कैन करना है, इसमें भी 10 रुपये मिले हैं। तो ये आपके जुड़ते जाएंगे, देखिए ऊपर जुड़ते जा रहे हैं। तो एक और स्कैन करते हैं, ये देखिए बिल्कुल आसान है, देखिए ये ऑलरेडी स्कैन हो गया है। अगर जो ऑलरेडी स्कैन होगा उसका इस तरह का मैसेज आएगा, एक बार और करते हैं। ये देखिए इसमें भी 10 पॉइंट मिल गया, 10 पॉइंट ये 10 रुपये है, ये ध्यान रखना आपने। एक और करके दिखाता हूँ मैं, ये 60 रुपये का है, देखिए 60 रुपये मिल गए। तो देखिए इस तरह से बिल्कुल आसान है, इस तरह से करना आपने, कुछ नहीं करना। ये देखिए एक और करके दिखाता हूँ, ये देखिए इस तरह से रखना है और ये देखिए स्कैन हो गया। तो मेरे टोटल हो गए देखिए ऊपर 4560 हो गए। तो मैं आपको बैग आके दिखाता हूँ, ये देखिए मेरा टोटल बैलेंस हो गया 4560। तो इसको किस तरह से बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है वो भी मैं आपको बताता हूँ। आपने कुछ नहीं करना है, आप ये टोकन में चले गए। टोकन में जाने के बाद यहाँ नीचे देखिए ये रिडीम लेफ्ट साइड में क्या है, रिडीम का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पर ऊपर देखिए ये यहाँ पे अमाउंट डालना है, आपने कितना करना है। तो मैं डाल देता हूँ यहाँ पे 4000 डाल देता हूँ, ये देखिए 4000 डाल दिया मैंने। उसके बाद क्या करना आपने, उसके बाद यहाँ देखिए यहाँ लिखा है आपका डायरेक्ट बैंक अकाउंट, आपने इसके ऊपर टच करना है। सबसे पहले इसके ऊपर टच करना है, नीचे प्रोसीड में नहीं करना है। सबसे पहले क्या करना आपने, डायरेक्ट बैंक ट्रांसफ़र, इस पर क्लिक करना। देखिए इस पर क्लिक करते ही आपका क्या हो गया, ब्लू हो गया। जैसे ही ब्लू हो जाएगा उसके बाद आपने नीचे लास्ट में आना है, देखिए प्रोसीड, इस पर क्लिक करना है। देखिए किस तरह से करना है, मैं करके दिखाता हूँ। यह देखिए यहाँ लिख दिया ट्रांसफ़र टू योर एशियन पेंट रजिस्टर्ड DBT अकाउंट RS 4000 अवेलेबल टोकन बैलेंस RS 4560। तो उसके बाद क्या करना आपने, ट्रांसफ़र करना है तो यहाँ कन्फर्म पे क्लिक करना है। तो मैं कन्फर्म पे क्लिक करता हूँ, देखिए यह देखिए क्या आ गया मैसेज यहाँ पे, विल बी सेटल्ड इनटू योर DBT अकाउंट रजिस्टर्ड विद इन एशियन पेंट इन 7 डेज। तो ये आपके 7 दिन के अंदर आपके बैंक अकाउंट में जमा हो जाएगा। तो यहाँ नीचे देखिए फिर उसके बाद क्या करना, लास्ट में डन दिया है,
स्क्रीनशॉट ले लेते हैं हम। डन दिया, इसको डन करना है। ये देखिए तो आपका बैलेंस क्या बता रहा है ऊपर, देखिए अब 560 बता रहा है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, इस तरह से आप अपने टोकन को स्कैन भी कर सकते हैं और बैंक में ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं। तो ये वीडियो लंबी हो गई, मैं नेक्स्ट वीडियो में और आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप अपने जो पॉइंट होते हैं उसको बैंक अकाउंट में किस तरह से ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ये जो देखिए यहाँ ऊपर जो लेफ्ट साइड में दिया है 3094, तो इसको भी आप अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो जो बाल्टी पे QR कोड होता है उसको किस तरह से स्कैन करते हैं वो भी मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। उससे पहले आप मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले ऐसे यूज़फुल वीडियो देखने के लिए। फिर मिलते हैं किसी और यूज़फुल वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।